जिहड़ा प्रस्ताव अज लिया गया केंद्र दीआं दमनकारी नीतियां दे विरुद्ध फैडरल स्ट्रक्चर नूं बचाउण वास्ते पंजाब दे हक बचाउण वास्ते उहदे विच बहुत सारे विरोधी धिर दे नेतागण ते सत्ताधारी पार्टी वल्लों बोले और ज़्यादातर उन्होंने इस मते की प्रोड़ता की है, स्वागत किया हक च उन्होंने कहा, कुछ सुझाव भी दिते ने। सो इस गल मैं सब तो पहला धन्यवाद करदा विरोधी पार्टी का, खास तौर पर कि तुसी मेरा हौसला बढ़ाया इस गल च, क्योंकि लड़ाई यह किसी सरकार की नहीं, लड़ाई यह किसी इंडिविजुअल की नहीं, ये लड़ाई अपनी सारे की है। पंजाब बहुत बारी डिगया है पर पंजाब बहुत बारी उठा भी है। जिन्हें धाड़वी आते दिल्ली लुट्टन, सब तो पहला साडे बजुर्गों नाल उन्हां दा मुकाबला हुंदा सी। एक बारी जान वेले, एक बारी दिल्ली लुट के जदों आउंदे सी उस वेले। सो साडे खून दे विच अपने हक्कां प्रति जागरूकता है, साडे जीन्स दे विच है। पार्लीमेंट दे विच जदों वी पंजाब ते कोई बहस चलदी सी तां मैं बोलता रहा, चाहे एक मिनट मिलता सी, दो मिनट मिलता सी, मिलते सी। पर जे आप देखिए कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो साउथ इंडिया के जिन्हें भी स्टेटा ने, तमिलनाडु है, केरल है, या उड़ीसा है, आंध्र है, जदों भी उन्हां दी कोई स्टेट की गल चलती सी, वह सारे जने कट्ठे होते, सारे जने कट्ठे बैल च होंगे सी। चाहे उन्होंने अपनी स्पैशल राइट्स की मंग करनी हो, आंध्र लई, चाहे उन्होंने हैदराबाद आजादी राजधानी लई गल करनी हो, उस वे सारे कट्ठे होंगे सी। मैनू बहुत इदा लगता सी कि असी क्यों नहीं होंगे यार, इदा स्टेट लई कट्ठे। मैं कहिंदा रहा मेरे साथियों नूं कि आओ यार कट्ठे होके, वो नहीं यार साडी लाइन होर है, थोड़ी लाइन होर है। मैं कहा यार इत्थे लाइन कादे वास्ते खिंचदे हो तुसी, पंजाब जाके लड़ लाँगे एक दूजे दे विरुद्ध। एक बार की होया, तीन बंदे एक पिंड दे विच आपो अपने घरों, एक पिंड के विचालों, एक पिंड के परले पास्यों, एक इधरले पास्यों, सवेरे सवेरे साढ़े चार पांच बजे खेतों में जाने लई बाहर निकले। काली बोली नेरी आ गई, नेरी इन्नी जबरदस्त सी कि तीनों बंदे चक के एक खूह दे विच सिटते उस हवा ने। जदों दिन चढ़िया स्पीकर साहब, तो देखिया उन्होंने तिना आपस के तीनों एक दूजे ना बोलते नहीं सी पिंड च, ऑबवियसली खूच भी नहीं बोले, आकर अपनी रखी। हरेक रोए सी साडे घर दे आउणगे, मैनू कर लैणगे, रह जाणगे, तिन्ने ही सोचते सी। कोई नहीं आया दुपहर तक, शाम होण आई लगी, जदों अगे रात आउंदी दिसी तां उहनां चों इक ने कहा, कहिंदा यार चलो ठीक है, आपां एक दूजे नाल नहीं बोलदे, पर हुण आपां तिन्ने इकट्ठे हो के रौला रूला चीका चूका मार के केरां खूह चों निकल जाइए, बाहर जाके फिर नहीं बोलांगे एक दूजे दे नाल, एक वारी खूह चों तां निकलीए। सो जिहड़ा इह जिहड़ा साडे ते कुहाड़ा चल रहा है, साडे राज्यां ते, साडियां हक्कां ते, एक बारी सारे कट्ठे हो के केरां इस कुहाड़े नूं खुंडा करिए, फिर आपदे जिहड़े मुद्दे ने उह कर लांगे। मैं तां तुहानूं पहले ही कहता कि जिन्ने दिन मर्जी हाउस रख लिया करो, इह कोई पहलां दा कम थोड़ी है। तुसीं तां बाजवा साहब कहिंदे वी इक मुख्यमंत्री इहो जिहा सी जिन्हां दा मैं नां नहीं लैणा, हाँ लै एक मुख्यमंत्री का ना ही मिटाता आपकी कांग्रेस ने लिस्ट चो। सो यहोजे भी थोड़े मुख्यमंत्री रहे जिन्हें तुम ना लेना चाहते सदन च, इस करके अगले पास आए हो, क्योंकि उन्होंने साढ़े चार साल, उन्होंने साढ़े चार साल दरवाजे नहीं खोले। बाजवा साहब भी चिट्ठिया दरवाजे के थलों की बिल च बेल में सिट के जाते रहे, वो चाके से डस्टबिन च मारते सी। चिट्ठिया तुसी बहुत लिखिया, चिट्ठिया तुसी बहुत लिखिया पर नहीं पढ़िया गई, की करिए। सो ये राज्यां दे अधिकार ने, इहदे वास्ते आपां नूं कट्ठे होना पऊगा। साडी मनशा ते कोई शक ना करो, बीजेपी वाले उठे, मनशा पे शक है,
मैं नागपुरी संतरी तो सुनी सी पर नागपुरी भाषण विधानसभा च पहली बार सुने। उत्थों आउंदा इहनां दा भाषण नागपुर तों, ऐ बोलना मजाल है कोई होर बोल जे कुछ गल, उन्हां दा वी हाल देख लो। सो पंजाब च रहने हो, पंजाब दा खाना खाने हो, पंजाब दा पानी पीने हो, तो मुड़के कहने हो नहीं 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 पंजाब नूं इह नहीं, पंजाब नूं इह नहीं। 80% कुर्बानियां दे के देश आजाद कराया, तो उस आजाद देश का प्रधानमंत्री पंजाब से डाके मारे। मैं याद है जो पठानकोट से हमला होया, पठानकोट से हमला होया एयरबेस से, तो मिलिट्री आई मुकाबला किया, उन्होंने मार दिता गया। कुछ दिन बाद हमले तो 1.5 महीना 2 महीने बाद चिट्ठी मिली एक मैं कि जी पंजाब सानू 7.5 करोड़ रुपया पे करे क्योंकि असी थोड़े वास्ते मिलिट्री भेजी सी। मैं क्या जी कमाल है। मैं साधु सिंह जी नाल लिया, प्रोफेसर साधु सिंह मेरे नाल सी, असी राजनाथ जी को गए, असी क्या जी 7.5 करोड़ रुपया दे देने, साढ़े MP लैड चो कट लियो पर नाल लिख के दे दो कि असी पंजाब नू किराए ते मिलिट्री दिने, पंजाब हिस्सा नहीं है देश का। सब तो पहला बंदूक की गोली साड़ियां छातियां ते बजती है कि पंजाब ने मतलब इंडिया तो, पंजाब ने इंडिया तो मिलिट्री धारी ली। फिर माफ कीते जी उन्होंने, जब उन्होंने पता लगे गल बधूगी। असी याद कराइए मुड़के साढ़े ते कोई कष्ट पै जे तुसी साथों रेंट लो, एदू वड्डा होर की मार हो सकती है जी। सब तो वध साढ़े जरनैल, सब तो वध साढ़े फौजी मुंडे, खास तौर पर जी गुरदासपुर वाली बैल्ट का एक घर भी है नहीं वो जिथे शहीद ना हो, मिलिट्री च 5-5, 10-10, 15-15 मुंडे ना हो। अज तुसी चंडीगढ़ जड़ा उन्हूं कहने साडा ये इत्थे आ रखांगे, हुण असीं इत्थे पुलिस वाला पंजाब दा नहीं रह सकदा, BBMB भाखड़ा दे दो सानू, पंजाब यूनिवर्सिटी उहदे सिंडीकेट च पा दो बंदे सारे आपदे, वह भी ना पंजाबी रह ले कितने कोई, उत्थे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाले बारे सोच रहे ने, बिजली का बिल लिया उन्होंने फिरते ने, खेती बड़ी मुश्किल नाल किसानां ने अपनियां जानां गवा के बचाई है, तो की रहूगा फिर साडे कोले जी। पंज आब वो भी नहीं है साढ़े को, पानी साढ़े वो जहरीले हो गए, ना पीने वाला रहा ना धरती वाला रहा। जदों तां लोड़ सी बाहरों मंगाते सी कणक, उदों पंजाब नूं कहा ग्रीन रेवोल्यूशन लैके आओ, लिआंदा देश दे भंडार भरते। तो हुण जदों चौल चूल पूरे हो गए, दूजियां छत्तीसगढ़ उड़ीसा तेलंगाना इन्हां दीआं जमीनां चल पईआं, हुण मौले वल तों सानूं छड्डण लगे ने, कहिंदे ना थोड़े तो कुछ नहीं चाहिए, सति श्री अकाल असीं अपना पाणी खत्म कर लिआ थल्लों। 1 किलो चौल पैदा करन वास्ते स्पीकर साहब 3800 लीटर पानी लग रहा है, असीं चौल एक्सपोर्ट नहीं कर रहे देश नूं, असीं पानी एक्सपोर्ट कर रहे। मैं पंजाब की गल करदा जी, पंजाब की गल करदा जी, बह जाओ। मैं पंजाब की गल करदा कि किवें साधू खा गए धरती। मैंबर साहब हाउस में चलन दो, सीएम साहब बोल रहे हैं। सो जो कुछ भी इजाजत तो बिना बोलिया जा रहा है और रिकॉर्ड ना किया जाए, असी असी बोली जान दो, और बोली जान दो, बोली साहब बोली जान दो, बोली जान दो, बोलो बोलते रहो। हाँ जी स्पीकर साहब, मैं ये कह रहा सी कल फोटो छप जूगी, ठीक है, एक अच्छी डब्बी भी लग जू, बस बह जाओ बस, ओ बह जाओ। राणा जी पहले दिन मेरे हाथ के विच हाउस नूं चंगी तरह चलाउणा, सीएम साहब एक मिनट तुसीं कुछ नहीं बोलो, सीएम साहब राणा जी मैं माननीय मेंबर साहब नूं बेनती करदा कि हाउस नूं चलन दे,
ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇ ਸਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੈਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਔਲਾਦ ਮਾੜੀ ਨਿਕਲੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ सारे मेंबर सभा नूं बेनती है बैठो जो सदन के नेता बोल रहे हैं तो कोई भी मेंबर नहीं बोलेगा मंत्री जी बैठो राणा जी मैनू नेम करना पड़ेगा मैनू राणा जी कृपा करके तुसी बैठो मैनू नेम करना पड़ेगा हाउस का डेकोरम बना के रखना हाउस का डेकोरम बना के रखना मैं सारे मेंबर सभा को बेनती करता कि बैठो सीएम साहब हेलो स्पीकर साहब मैं कह रहा सी पंजाब के हकों से हमेशा आके अपने पंजाब के हकों से ट्रेजरी बेंच के मेंबर साहब को बेनती करता राणा साहब बैठो राणा जी जी राणा जी दसो स्पीकर साहब दसो देखो पहली बार मुंडा बोल रहा उन्हें बोलन नहीं दिता बर्दाश्त करो चुप तक करा दो मैं गलत गल थोड़े करूंगा बैठो गलत गल करूंगा गलत गल सिखा के लिया पहली बार बोलना की है मैं क्या जो नहीं बोलता वह नहीं बोलता उस करेते दिया खंड मिला बोल दिया ने खंड मिला को चोरी की खंड मिला चोरी बैठो सरदार इंदर प्रताप सिंह नू नेम करता हां हुक्म करता हां कि वो सदन तो बाहर चले जान जो सदन की कार्रवाई निर्विघ्न चालू रहे मैं मार्शल को हुक्म दिना कि मैंबर साहब नू बाहर भेजा जाए बाहर छड़ के आ जाए मैं मार्शल को हुक्म दिना कि मैंबर साहब नू बाहर छड़ के आ जाए मेंबर साहब को बेनती है कि आपका बाहर चले जान राणा इंदर प्रताप सिंह को बेनती है कि बाहर चले जान हो गया जी मैं एक्शन ले लिया जो भी सदन की आज्ञा तो बिना बोलिया गया रिकॉर्ड ना किया जाए जो भी चेयर की आज्ञा तो बिना बोलिया गया है वो रिकॉर्ड ना किया जाए मैं मैंबर साहबान को बेनती करता कि मैंबर साहब तुम भी बैठो मानयोग मुख्यमंत्री साहब बहुत बहुत धन्यवाद जी मैं गल कर रहा सी कि जदों पंजाब तो कुछ चाहिए होंदा देश नूं उह लै लिया जांदा ते बाद दे विच जदों पूरा हो जांदा तां पंजाब दे हक मार लै जांदे
सो असी अज पंजाब दे हक्कां बारे ये जिहड़ा रेजोल्यूशन लेके आए हैं, कल चंडीगढ़ का नहीं, ये बीबीएमबी भी है, ये होर भी बहुत सारे ने भविख दे विच भविख दे विच बहुत सारिया उन्हां दियां होर भी बहुत खतरनाक योजनावां ने। जिस तरह दिल्ली है, दिल्ली दे विच ये कह दिता गया कि जिहड़ी चुनी हुई है उन्हूं सरकार नहीं कहा जाऊगा, एल जी नूं सरकार कहा जाऊगा। फिर तुसीं दिल्ली च वोटां क्यों पवाईआं बई? दिल्ली दे विच कोई काम करना होवे एल जी तो परमिशन लो, मुख्यमंत्री की कोई उत्थे मतलब चल नहीं रही, उत्थे बुक्कत नहीं रखी। कारण की? सरकार होर पार्टी की बन गई। इदां ही बंगाल दे विच इन्हां ने कीता, सीबीआई नित जांदी है, इदां ही बॉम्बे दे विच करदे ने। जिथे जिथे इन्हां दी सरकार नहीं बनी, इहदा मतलब देश का हिस्सा नहीं, जिथे जिथे बीजेपी नहीं चुनी गई इहदा मतलब देश का हिस्सा नहीं हो। पंजाब ने बिजली मंगी एक्स्ट्रा सेंट्रल पूल चो, कहिंदे नो, हरियाणे नूं देती। दिल्ली ने हाईकोर्ट जाके रोक लवाई है कल, मतलब दूजे पासे प्रधानमंत्री जी कहिंदे ने सबका विकास सबका साथ, कित्थे साथ साडा जी? ना साडा साथ दिंदे हो ना साडा साथ लैंदे हो। सो पंजाब गुरुआं दे नां ते बसदा है। बहुत सारे आ गए जिहड़े पंजाब नूं ऐ कर देंगे वो कर देंगे, पर पंजाब नहीं, पंजाब च दोबारा उगण की शक्ति है। सो जिन्ना यह धक्का हो रहा है असी सख्त शब्दों से निखेधी करते हैं, और आने वाले दिनों सेंटर तो टाइम लिया जाऊगा, जिस तरह बाजवा साहब ने कहा सीगा, होम मिनिस्टर तो टाइम लवेंगे, प्रधानमंत्री तो टाइम लवेंगे, राष्ट्रपति तो टाइम लवेंगे, और पंजाब का पक्ष जिहड़ा जबरदस्त तरीके रखा जाऊगा। मैं कोई पास की नहीं गल करता कि इन्होंने नहीं रखा उदो, इन्होंने आ करता सी उदो, पास्ट इज पास्ट ईवन गॉड कांट चेंज पास्ट, जो लंघ गया समान तो रब भी नहीं बदल सकता। आने वाले समय की गल करिए कि आपने पंजाब नूं दोबारे पंजाब किवें बनाउणा, क्योंकि हालात ये हो गए कि जिहड़ी सिख रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट ने डिफेंस मिनिस्टर नूं लिख के दिता कि साडे कोलो पंजाब दे विचों भर्ती पूरी नहीं हो रही, जिहड़े मुंडे टेस्ट पास कर जाण सानू होर कम्यूनिटीज़ दे विचों अपनी नफरी पूरी करन वास्ते इजाजत दिती जाए, आ पंजाब बनाता साडा। ड्रग्स आउंदे ने, अच्छा अच्छा चलो मनदे आ कि बॉर्डर तो पार आउंदे ने, बॉर्डर पार तो आउंदे ने, साडे नालों 2.5 गुणा वड्डा बॉर्डर रास्ता आंदा है, उत्थे तां कोई चिट्टा खांदा देखे नहीं। जम्मू कश्मीर च अद्धे तो वध बॉर्डर ते तार ही होणी, जम्मू कश्मीर दा मुंडा तां कोई चिट्टे देखे नहीं। इत्थे बणदा जी, इत्थे ही बणदा, इत्थों वाले ने बड़ी जल्दी पब्लिक के सामने किए जाएंगे। जिन्होंने नसलकुशी की है, पंजाब की नसलकुशी की है, अज जो पंजाब है उन्होंने फतवा बहुत वड्डा दिता साडी पार्टी नूं। असी मैं पहले दिन भी यही बोलिया, असी हंकार नहीं करते, असी विरोधी दल नूं नाल लेके चलांगे। अज भी जे साडे पंज बोले तो छे बोले, तुहाडे मिलूगा टाइम खुल के बोलो, पर हाँ इदा ना बोलो कि थोड़ी बाहर कदना पवे, विषय तो बोलो। जिदे जम्मू कटड़ा जोड़ा मेरे अपने हल्के लंघता वो हाईवे, वो तो बहस हुई, खुल के बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी विषय में मैं अनटच नहीं छूंगा, मैं किसी विषय में अनटच नहीं छूंगा। ईवन छोटे छोटे तुहाडे मसले, छोटे छोटे मसले भी, कोई लिंक रोड का कोई, वो भी इतने बोलो, जीरो जीरो च बोल लो, प्राइवेट मैंबर बिल लेके आओ, तुहानू बकायदा जवाब मिलेगा। सरकार चलावांगे, सरकार सानू चलाउणी आउंदी है, पहले कहिंदे रहे ना, तां जिहड़े कहिंदे सी स्टेज चलाउणा ते स्टेट चलाउणा डिफरेंट गल हुंदी है, वो फिर ना स्टेज जोगे रहे ने ना स्टेट जोगे रहे ने। जिहड़े कहिंदे सी आपदे नां दा मॉडल
पंजाब का मॉडल नहीं, अपने नाम का मॉडल, क्योंकि प्रगट साहब ने कहा कि जिहड़ा जिहड़ा गलत किया काम उन्होंने ठोको। मैं हूँ कहीं दसा भी ठोको वाला तो आए ही नहीं इतने, जो गल गलत कह ठोको ताल ही ठोको ताल। यह वक्त है, वक्त बहुत वड्डी चीज है, यह वक्त यह राजियां तो भीख मंगा दिंदा, यह वक्त यह भिखारियों के सिर पर ताज टका दिंदा, यह वक्त। बैठ 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 मैच खत्म हो गया हूं, कांग्रेस का मैच खत्म हो गया, बैठ जाओ। नहीं उदो जो ठोको करना नहीं सी वो। तो मेरा मतलब यह है कि वक्त बहुत वड्डी चीज है, डर के रहिए वक्तों। ते किसी शायर ने लिखा कि हुकूमत वो करते हैं जिनके जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। ये कोई कोई फोटो छपाउण नाल, कोई पानी दी टंकियां ते फोटो लवाउण नाल, कोई जा कोई इधर साइकलों दी टोकरियां ते फोटो लवाउण नाल, चैन कवर ते फोटो लवाउण नाल नहीं कोई बनदा हरमन प्यारा। उहदे वास्ते काम करना पैंदा है, लोकां दे विच वड़ना पैंदा है, करियर छड्डणे पैंदे है, ठीक है ना। सो लोकां लई कुछ छड्डणा पैंदा है जी, तां करके लोक तुहानूं प्यार करदे है कि हाँ यार कुछ छड्डिया साडे लई। सो दो दो तीन तीन बेड़ियां वाले नहीं लोग लाइक करते, हाँ एक अद्धी वारी तुक्का लग जांदा है। तो मैं यही कहना कि सेंटर सरकार को साढ़े भी उत्थे अठ हो गए ने राज्यसभा दे विच, जल्दी दो होर आ रहे हैं दस हो जाएंगे, जल्दी संगरूर की बाई इलैक्शन भी आजू, वह भी राज्यसभा भंग हुई हैं ग्यारह हो जाएंगे। क्योंकि उत्थे तुसी जो देखे से ग्यारह का मतलब ग्यारह दो एक 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 ते दो ग्यारह है जी। ते मैं पंजाब नूं तुहाडे जरिए पंजाबियों पूरी दुनिया च वसदे पंजाबियों ये शोरटी गरंटी दिना कि पंजाब दे हक्कां लई मेरी सरकार जिहड़ी है वह कदे भी पासा नहीं वटूगी, कदे भी कोई नकाब मूँह ते नहीं पाऊगी अगे अंदरों होर बाहरों होर। कदे भी पंजाब दे हक्कां लई असीं कोई दोगली नीति नहीं अपनावांगे, जो करांगे दस के करांगे और डंके दी चोट ते करांगे, जो करांगे पंजाब लई। उहदे वास्ते कोई गुस्से होवे, कोई गिले होवे, किसे दी कोई हित मरदे होण, किसे नूं कोई घाटा पैंदा होवे, वी डोंट केयर। आ सानूं कोई फर्क नहीं दा, जो घाटा हुण तक पंजाब नूं पिआ वह पूरा करना है, पहला तो पंजाब के लोगों को पै जो घाटा वह पूरा करना है। आ जिहड़ियां हुण साडियां जेबां ते डाके ने साडे मुलाजमान दे, जिहड़े चंडीगढ़ के मुलाजम होणगे जिहड़े कॉन्ट्रैक्ट ते ने, असीं तां पक्के करन दा लै आवांगे अगली बार अपने सभा दे विच इह। ते फिर वह तो रह गए फिर उत्थों, वो हड़ताल भी कर रहे हैं, उन्होंने तो फिर पता ही नहीं किहड़े पासे रखे जो कदों कढ दित्ता जाऊगा। तो उत्थे जिथे मतलब नीले रंग का पानी वह सतलुज जिथों निकलता है, जिहड़े सतलुज का पानी लैके श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृत तैयार किया, उन्होंने पानियों पर भी साडा हक नहीं होना। जुल्मां के खिलाफ लड़न वाली धरती है, उत्थों भी साडे हक खोए जा रहे हैं। सो इस करके पंजाब पंजाबीयत लई जो कुछ भी करना पवेगा, चाहे वह विधानसभा के विच, चाहे बाहर, चाहे दिल्ली, चाहे दिल्ली की पार्लीमेंट, चाहे दिल्ली की पार्लीमेंट के बाहर, जिथे भी लड़ाई लड़नी पई लड़ांगे। क्योंकि जिहड़ा पंजाब है वह देश का सरमौर सूबा बनाउणा है। पहला हुंदा सी, पहला लोग पंजाब वल देखदे हुंदे सी, जदों सिलेबस दे विच सवाल आउंदा सी कि पंजाब का देश का सब तो खुशहाल सूबा कौन है, उहदा सही जवाब हुंदा सी पंजाब। ते अज असीं किते नेड़े तेड़े भी नहीं रहे, बहुत सारियां अलामतां साडे पंजाब नूं पै निकलियां, उहनां नूं उहनां संगलियां चों उहनां जिहड़ियां साडे ते जरीबां पै गईयां उहनां नूं तोड़ांगे, और तोड़ के पंजाब नूं दुबारा फिर गिद्धे भंगड़े छिंझां कुश्तियां कबड्डियां जरनैलां और शायरां ते कलाकारां दा और हसदे मारदा दवामे जट मेले आ गया वह गल्लां पूरियां करन वाले किसानां दा पंजाब बनावांगे। व्यापारी खुश होवे, दुकानदार छोटा खुश होवे, जो बंदा भी जो काम करदा है वह
घरे आके अपने परिवार नाल रोटी खावे ते सुखी वसे ते सानू असी अक्सर पढ़ते हो दुआबे तक खास तौर पर हम तो मालवे भी हो गया हर तीजी बिल्डिंग पर लिखा हुआ है जी आस्ट्रेलिया जाने लिए मिलो हर तीजी बिल्डिंग पर लिखा है न्यूजीलैंड वाले इधर आ जाओ हर तीजी बिल्डिंग पर लिखा है कनेडा जाने वास्ते इत्थे प्रबंध किया जाता है कदे किसी ने नहीं लिखा कि पंजाब सुखी रहने लिए मिलो ये गल मैं कहना कि सुखी रहने लिए सानू मिलो असी उन्होंने सुखी बसावांगे असी उन्होंने इत्थी रखांगे ब्रेन ड्रेन खत्म करांगे चंगे चंगे दिमाग जिहड़े बाहर चले गए उन्होंने भी बेनती करांगे आओ अपना घर ठीक करिए आओ आपां सैल्फ डिपेंडेंट है पंजाब तो रोटी खवाउंदा रहा सारे मुल्क नूं हुण सानूं पता नहीं क्यों हाथ च इन्हां ठूठे फड़ाते गलत नीतियां कोई रह गईआं पुरानीआं सो इस करके मैं यही बेनती करदा कि इस प्रस्ताव नूं सर्वसम्मति नाल पास किया जाए ताकि असी तकड़े होकर पावरफुल तरीके नाल असी जिहड़ा सेंटर कोले ये जिहड़ा मसला है उन्हें लैके जा सकी मैं सारे हाउस में बेनती करदा कि ये जिहड़ा प्रस्ताव अज्ज दा उन्होंने सर्वसम्मति पास किया।